बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्डर 21 जो है, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 67 देखेंगे। और हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम जो आर्डर 21 में एक एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन है, उसका रूल 10 to 23 है। तो अब ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हमने सिर्फ रूल 22 और 23 देखना है, यानी पार्ट डी है। इससे पहले जो तीन लेक्चर है उसमें हमने ऊपर वाले रूल जो है वो हमने जो है वो किए हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको मैंने वो बनाया है, एक तो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और सीपीसी साइड बाय साइड चलेगी। ये मैंने वो बनाया है, 59 में हमने ओवरव्यू देखा, 60 में हमने जनरली डिस्कस किया कौन एग्जीक्यूशन करवा सकता है, किसके खिलाफ हो सकती, क्या एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद 61 लेक्चर में हमने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को देखा कौन हो सकता है। 62 में हमने पढ़ा कि एक डिग्री ट्रांसफ़र कैसे होती है। 63 में हमने प्रीसेप्ट का कंसेप्ट पढ़ा। अब 64 से ऑनवर्ड हम एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, उसका पार्ट ए, और फिर उसके बाद 65 में हमने पार्ट बी देखा, 66 में हमने उसका पार्ट सी देखा, और अब हम उसका जो है वो पार्ट डी जो है वो लेक्चर नंबर 67 में देखेंगे, और वो है रूल 21, 22 और 23 से। अच्छा, अभी तक जो स्कीम बनी वो ये है कि देखें, एक दवा डिग्री होने के बाद जो है वो जो एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दी जाती थी, ठीक है ना, वो जो एक परफॉर्मा सा होता था वो अब ख़त्म हो गया। अब कोर्ट ने ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर, और प्रोसीड करना है आगे, सही है। तो इस हद तक तो ये 10 जो है वो रिपील हो गया, लेकिन जो स्पेशल एप्लीकेशन है, मसलन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जॉइंट होल्डर बाय ट्रांसफर ऑफ डिग्री, ये स्टिल स्टैंड करती है। इसके लिए जो है वो क्या कहते हैं कि उसके लिए एप्लीकेशन का आना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अच्छा, नोटिस टू शो काज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस। अब फिर मैं वही बात करूँगा कि देखिए, जो हमने रूल 10 पढ़ा था, रूल 10 था वो तो ये था कि एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, कोर्ट उसको कन्वर्ट करेगी, और साथ ही ये बात भी लिखी गई कि शो काज नोटिस जो है वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ किसके लिए, वो जो रूल 10 है, ठीक है, जब यहाँ कोर्ट ने खुद कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एप्लीकेशन आ रही है, जैसे रूल 16 की आ रही है, ठीक है, 18 की आ रही है, 19 की आ रही है, ये भी तो एप्लीकेशन है ना, तो इनकी सूरत में जो है वो शो काज नोटिस देना जो है वो ज़रूरी है अंडर रूल 22, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, शो काज नोटिस इसलिए दिया जाता है कि उसको कि वो आके या तो पे कर दे, डिग्री को सेटिस्फाई कर दे, और अगर वो समझता है उसकी लायबिलिटी नहीं बनती तो वो आके कोर्ट में बताए कि उसकी लायबिलिटी ऑब्जेक्शन पिटीशन दायर कर ले, ठीक है। तो दैट इज वाई के शो काज नोटिस अंडर सेक्शन 22 जो है वो देना जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। इसके पीछे प्रिंसिपल ये भी है कि नो वन कंडेम्ड अनहर्ड, अल्लाह ताला ने तो इब्लीस को भी शो काज दिया था, पहले उससे पूछा था कि तुम क्यों सजदा नहीं करना चाहते, और उसने शायद ये बताया था मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, व्हाटएवर। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको एक्सप्लेनेशन लेने के बाद उसको क्या किया था, उसको सजा दी थी। तो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे भी जजमेंट डेटर को जो है वो उसके अगेंस्ट वारंट की, यानी कोई भी मोड अडॉप्ट करने से पहले, चाहे उसके अगेंस्ट मोड्स अब हमने आगे पढ़ने हैं, चाहे उसके अगेंस्ट जो है वो क्या कहते हैं, उसके वारंट के अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी होने चाहिए, इसको कहते हैं प्रोसेस जारी होना ना, या उसके अगेंस्ट जो है वो क्या है जी के अटैचमेंट का ऑर्डर होने जा रहा है, तो उससे पहले कोर्ट ने उसको क्या करना है, शो काज देना है। लेकिन वो जो कोर्ट ने उसको शो काज नोटिस देना है, वो जनरल रूल ये है कि कोई शो काज नोटिस नहीं,
जनरल रूल ये है कि कोई शो काज नोटिस नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं, या यू कह लें ये जनरल रूल एक्सेप्शन को छोड़ें, लेकिन जो शो का नोटिस देना है उस वो किन किस सूरत हाल में देना है, क्या हर सूरत में देना है? नहीं नहीं, तो फिर किस सूरत में देना है शो काज नोटिस? नोटिस टू शो काज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इज मेड मोर देन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ डिक्री, ठीक है, और against the legal representative of the party to the decree or where an application is made for execution of decree filed under provision of section 44A, ठीक है, क्या जी के एक decree हो गई, क्या हो गई, और एक decree हुए को कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, कितने हो गए, 2 साल, 2 साल होने के बाद, 2 साल होने के बाद जो है एक application आर्डर 21 रूल 12 या आर्डर 21 रूल 16 की आ गई कोर्ट के अंदर, तो अब उसको सबसे पहले नोटिस देना जो है वो क्या हो जाएगा, मंडेटरी हो जाएगा, किसके तहत, रूल 22 के तहत, या जो जजमेंट डेटर है मर गया है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फ्रीक बना के तो अमेंडेड एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर कर दी गई है, तो अब उसके जो लीगल हेयर्स हैं, ठीक है, उनको भी नोटिस देना मैंडेटरी है, उनको भी एक बार नोटिस देना मैंडेटरी है, ठीक है, यानी अगर जजमेंट डेटर मर गया है तो फिर उसके लीगल हेयर्स को नोटिस जारी करना जो है वो जरूरी है। अच्छा, और वेयर एप्लीकेशन इज मेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फाइल्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44A, ये वो हमने पढ़ा था कि फौरन जो डिक्री है उसकी एग्जीक्यूशन कैसी होती है, तो उस सूरत में भी जो है वो एक शो काज नोटिस देना जो है वो जरूरी है, ठीक है, यानी 3 सिचुएशन है, डिक्री को हुए 2 साल हो गए हैं और उसके बाद कोई एप्लीकेशन आई है एग्जीक्यूशन की, दूसरे नंबर पे डिक्री जजमेंट डेटर मर गया और लीगल हेयर्स को जो है वो उनके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन होनी है तो उनको एक दफा शो काज देना जरूरी है, और तीसरे नंबर पे जो डिक्री है वो उसकी नेचर ये है सेक्शन 44 यानी फॉरन डिक्री है, ठीक है। अच्छा, अब कोर्ट ने शो काज क्या देना है, The court executing the decree shall issue a notice to the person against whom execution is applied for requiring him to show cause on a date to fix why the decree should not be executed. तो उसको show cause ये देना है, unfortunately मैं आपको इस वक्त नहीं दिखा सकता वो show cause, क्योंकि आज संडे है तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ये भी दिखाऊं शो काज उसको जो है जैसे एक समन नहीं होता उस तरह का ये होता है, ठीक है, क्या कि क्यों ना डिक्री जो है तुम्हारे खिलाफ एग्जीक्यूट की जाए, ये उसको शो काज जारी किया जाएगा। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इन कंसीक्वेंसी ऑफ मोर देन 2 ईयर्स हैविंग बीन एलैप्स्ड बिटवीन द डेट ऑफ द डिक्री एंड द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इफ एप्लीकेशन इज मेड विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी इज होम एग्जीक्यूशन अप्लाइड फॉर मेड ऑन एनी प्रीवियस इन कंसीक्वेंसीज ऑफ द अपील बीइंग मेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव जजमेंट इफ अपॉन अ प्रीवियस अपील इन द सेम द कोर्ट हैज ऑर्डर एग्जीक्यूशन टू इशू अगेंस्ट हिम। देखिए, पहले मैं आपको ना ये प्रोविजो वैसे समझा देता हूँ और फिर मैं रीडिंग करवाऊंगा तो फिर आपको जो है वो इसकी जो है वो क्या होगी ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अगर किसी वजह से खारिज होगी है तो नहीं भी दायर की जा सकती है, कोई बार नहीं है, इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करता, ठीक है, तो एक नई एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है वो क्या कर दी गई है मूव कर, फर्ज करें आर्डर 21 रूल 16 की एप्लीकेशन एक दफ़ा खारिज होगी किसी वजह से, अब दोबारा जो है वो क्या की गई है वो दायर की गई है, तो दोबारा दायर की गई है, ठीक है, तो अब क्या है, अब जो दूसरी आई है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इसमें शो काज नोटिस चाहे वो लीगल एयर्स यानी पहली एग्जीक्यूशन लीगल एयर्स के खिलाफ थी या असल जजमेंट डेटर के अगेंस्ट थी, ठीक है, अब इसमें अगर दो पहली जो एग्जीक्यूशन खारिज हुई या व्हाटसोएवर कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम हुई
उस ऑर्डर से पहले एग्जीक्यूशन के लास्ट ऑर्डर से लेके नई एग्जीक्यूशन दायर होने तक अगर 2 साल नहीं हुए ठीक है तो फिर शो काज नहीं जाना, लेकिन अगर 2 साल हो गए हैं तो फिर एक दफा अब जो फ्रेश सेकंड एग्जीक्यूशन आएगी उसमें भी जो है वो शो काज नोटिस उसको जाना जो है वो जरूरी है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ आपको समझ आ जाएगी। Provided that no such notice shall be necessary in consequences of more than 2 years having elapsed, अगर 2 साल ज्यादा गुजर भी गए हैं between the date of the decree and the application for execution, if the application is made within 2 years from the date of last order against the party against whom execution is applied for made on any previous application for execution, यानी जो previous execution थी उससे लेके अब तक जो है वो चाहे 2 साल गुजर भी गए हैं ठीक है तो भी उस पर नोटिस देने की जरूरत नहीं है ठीक है। अच्छा जी, आर इन कंसीक्वेंस ऑफ बीइंग मेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट इफ अपॉन अ प्रीवियस एप्लीकेशन द सेम पर्सन द कोर्ट हैज ऑर्डर एग्जीक्यूशन टू इशू अगेंस्ट हिम, ये प्रोविजो ये कहता है अगर पहली एग्जीक्यूशन में कोर्ट ये ऑर्डर कर चुकी थी, जजमेंट डेटर को कह चुकी थी कि भाई तुम इस डिक्री को जो है वो क्या करो एग्जीक्यूट करो जजमेंट डेटर को, लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि वो वन वे आर दी अदर वे उसमें प्रोसीडिंग ना हो सकी उस एग्जीक्यूशन में, तो उसके बाद एक नई एग्जीक्यूशन आई। अब वो एग्जीक्यूशन चाहे 2 साल बाद आ रही है ठीक है, चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आ रही है, अगर वो जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें अगर ऑर्डर हुआ खड़ा था किस चीज़ का कि भई आप इस डिग्री को सेटिस्फाई करो तो अब फिर नोटिस की जो है वो कतन जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इन कंसीक्वेंस ऑफ मोर देन 2 इयर्स हैविंग इलैप्स्ड बिटवीन द डेट ऑफ डिग्री एंड द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इफ द एप्लीकेशन इज मेड विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी इज होम एग्जीक्यूशन अप्लाई फॉर मेड ऑन एनी प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन आर इन कंसीक्वेंसेस ऑफ द एप्लीकेशन बीइंग मेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट इफ अपॉन अ प्रीवियस एप्लीकेशन अगेंस्ट द सेम पर्सन द कोर्ट हैज ऑर्डर एग्जीक्यूशन टू इशू अगेंस्ट हिम, इवन अगर प्रीवियस एप्लीकेशन में जो था जजमेंट डेटर के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो गया था और अब बेशक उसके लीगल हेयर्स को फ्री बना के दायर की गई है और बेशक 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया ठीक है तो उस सूरत में भी जो है वो शो कॉज नोटिस की जो है वो जरूरत नहीं है ठीक है। अच्छा, नथिंग इन दिस फोरगोइंग रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम इशूइंग एनी प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन डिग्री विदाउट इशूइंग द नोटिस देयर बाय प्रिस्क्राइब्ड इफ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इट कंसीडर्स दैट द इशू ऑफ सच नोटिस वुड कॉज अनरीजनेबल डिले और वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। देखिये, अगर कोर्ट को लगता है, देखिये रूल 1 तो कहता है ना शो का नोटिस जारी करना जरूरी है, रूल 2 ये कहता है अगर कोर्ट को लगता है कि मैंने उसको शो का जारी किया तो वो तो उसी दिन ही फ्लाइट पकड़ेगा और बाहर के मुल्क भाग जाएगा तो फिर वो एंड ऑफ जस्टिस डिफीट हो जाएगा, तो फिर कोर्ट विद रीजनिंग क्या कर सकती है वो जो शो का नोटिस है सब रूल 1 के तहत उसको क्या कर सकती है डिस्पेंस विद कर सकती है, या कोर्ट को लगे कि इससे डिले पैदा होगा अगर कोर्ट शो का नोटिस जारी करती है ठीक है। अच्छा जी, फेलियर टू रिकॉर्ड सच रीजन शैल बी कंसीडर एन इनरेगुलरिटी नॉट अमाउंटिंग टू डिफीट डिफेक्ट इन ज्यूरिडिक्शन। अच्छा, अगर कोर्ट ने वो रीजंस नहीं लिखी, अगर कोर्ट ने वो रीजंस नहीं लिखी किसकी नोटिस को डिस्पेंस विद करने की, तो उसकी वजह से वो एग्जीक्यूशन की मुकम्मल प्रोसीडिंग जो है वो क्या वो नल एंड वाइड नहीं हो जाएंगी, दैट इज मेयर एन इरेगुलरिटी। तो होप कि आपको मेरी बात भी समझ आ गई। प्रोसीजर आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस ये रिपील हो चुका है ठीक है। तो दैट वाज द लेक्चर जी, अगर आप मुनासिब समझिए तो इसको क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ और जज़ाकअल्लाह, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।